लास्ट लेक्चर में आप पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर वर्क स्टडी के बारे में। वर्क स्टडी जो थी वो दो फॉर्म की थी, मैंने आपको बताया था। उसके अंदर दो मेथड्स होते हैं वर्क स्टडी करने के, एक तो मेथड स्टडी और दूसरा था वर्क मेजरमेंट। वर्क वर्क मेजरमेंट, ठीक है। तो अपन इनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से पढ़ेंगे कि कैसे आप वर्क मेजरमेंट कर सकते हो, कैसे आप किसी वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टाइम उसके अंदर कंज्यूम हुआ है, ठीक है। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेथड स्टडी क्या होता था, मेथड स्टडी के मेथड को स्टडी करना कि मेथड जो है वो क्या सही है और उसके अंदर कौन सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो आज का हमारा चैप्टर है मेथड स्टडी, थर्ड चैप्टर है ये आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि मेथड स्टडी होता क्या है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मेथड स्टडी, अपन ने डेफिनेशन पहले भी कर ली है लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं मेथड स्टडी क्या होता है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग जो आपका पहले से चल रहा मेथड है उसको स्टडी करना है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें चेंज की जा सकती है, उसको कैसे बेटर किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड, एग्जिस्टिंग और प्रपोज मेथड ऑफ डूइंग वर्क एंड क्रिएटिंग द बेस्ट वे टू डू दिस वर्क, ठीक है। अब ये क्या है मेथड स्टडी क्या है कि आपने क्या करना है कि ये प्रोसेस है जो कि स्टडी करता है एग्जिस्टिंग या प्रपोज्ड मेथड ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी वर्क है उसको डन करने के मेथड्स कौन से अपने पास है उसको स्टडी करना और नए डेवलप करना, डेवलपिंग भी लिख सकते हो यहाँ पे, मैंने क्रिएटिंग लिखा है डेवलपिंग या उसको, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। द बेस्ट वे टू डू दिस वर्क, उसी काम को करने का सबसे आसान तरीका क्या है उसकी खोज करना, ये भी क्या है मेथड स्टडी है, ठीक है। तो मेथड स्टडी सबसे पहले अपने डेफिनेशन कर ली है मेथड स्टडी होता क्या है। अब नेक्स्ट आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मेथड स्टडी के, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अपने मेथड स्टडी के जरिए कंप्लीट करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, जो जो आपने अचीव करने हैं, कि आप क्यों कर रहे हैं मेथड स्टडी, आप इसके ऊपर क्यों दिमाग खराब करें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आप करना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अपने मेथड स्टडी के जरिए। तो सबसे पहले है मेथड स्टडी से क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगी, ठीक है, इंप्रूव्ड वर्किंग प्रोसेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि कॉन्स्टेंट चीजें निकले, जैसे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें निकले, ठीक है, वहां से प्रोडक्शन हो। तो इसके लिए आप क्या करते हैं मेथड स्टडी करते हैं कि अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रही, स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं बाहर आ रहा, तो उसके कारण उसके पीछे रीजन क्या है और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। बेटर वर्कप्लेस लेआउट, बेटर वर्कप्लेस लेआउट, यहां पे आप काम कर रहे हैं उसकी लेआउट कैसी है, ठीक है। लेआउट मैंने आपको बताया था
जो वर्किंग एरिया है आपका वो कैसा है, उसके अंदर एनवायरनमेंट कैसी है, आपकी मशीनें कहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको कितनी दूरी पर जाकर आपको मशीन अवेलेबल हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये लेआउट के अंदर आती हैं उसकी, ठीक है। तो लेआउट अगर अच्छी है तो ऑब्वियस है कि वर्क भी अच्छा होगा। तो अपन ने बेटर वर्क प्लेस लेआउट बनानी है, इससे भी क्या होगा, आप मेथड जो था उसके अंदर अपने को क्या पता चला कि जो आपने लेआउट बनाई हुई है वो अच्छी नहीं है, तो आप उसको और ज्यादा बेटर करोगे, ठीक है। लेस फटीग टू वर्कर, लेस फटीग टू वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनको थकावट कम होगी क्योंकि लेआउट अच्छी होगी। और क्या है कि मेथड जो है वो सुधर गया आपका, अच्छा हो गया मेथड। पहले कुछ और मेथड था जिसकी हेल्प से आप वही प्रोडक्ट बना रहे थे जो कि मैनुअल था और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। अब आपने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया और थोड़ा सा क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया, जिससे क्या हो गया, फटीग वर्कर्स के ऊपर लोड कम हो गया और उनको थकान कम होने लग गया और काम ज्यादा करने लग गया वो, ठीक है। तो बेटर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बेटर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है वो सुधरी है। आप इसको बेटर प्रोडक्शन एफिशिएंसी की जगह पे ये लिख सकते हो बेटर प्रोडक्टिविटी, एक ही चीज है, ठीक है, बेटर प्रोडक्टिविटी। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है इससे, मतलब कि इनपुट जो है वो सेम है और आउटपुट इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और फिफ्थ क्या लिखा जा सकता है, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन मैटीरियल एंड मनी, पैसे का, मैटीरियल का और मैन पावर का अच्छे से सही से इफेक्टिव एफिशिएंट यूज हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिव लिख सकते हो, एफिशिएंट लिख सकते हो, यूज या यूटिलिटी लिख सकते हो, यूटिलिटी ऑफ मैन मैटीरियल एंड मनी एंड मशीनरी ऑल्सो, ठीक है। तो उनका क्या है, इफेक्टिव यूज हो रहा है, अपने को वेस्टेज नहीं हो रही कुछ भी, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है जो है हेल्थ के ऊपर, जो है वर्कर की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है, और उनके ऊपर अलग अलग वर्कलोड ना हो, ठीक है, और उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो कॉन्स्टेंट रहे, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप चेक करेंगे, तो यही क्या है, ये चेक नहीं करेंगे, इसको सुधारेंगे, मतलब कि मेथड जो है वो गलत है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेथड गलत है अपना, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप उसको ठीक करें, अच्छा मेथड बनाए उसी काम को करने का, ठीक है, जिससे क्या हो, इंप्रूवमेंट आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी, प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी के, मेथड स्टडी जो है आपने करना है, आपको मेथड स्टडी करनी है किसी चीज के ऊपर, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, अलग अलग इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के जरिए आप इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने मेथड स्टडी करना है वो कौन सी जो है आपका प्रोसेस है उसके ऊपर करना है। देखो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो होगा ना उसके ऊपर आपका ज्यादातर जो है मेथड स्टडी जो होता है जो सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उस प्रोसेस के ऊपर आपका करते हैं, जहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज्यादा निकल रही है, ठीक है। जहाँ आपको लगता है कि वहां पे क्या है वर्कर्स जो है वो खड़े हुए हैं, आपने एक बार स्टडी किया, सारा एग्जामिन किया, आपको लगा कि यहाँ पे वर्कर्स जो है वो कुछ भी काम नहीं करे, खड़े हुए हैं जैसे ही आपने देखा, उसके बाद हो सकता है थोड़ी देर बाद उनको वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाए, फिर से काम खत्म हो जाए, फिर से वर्कलोड आ जाए, मतलब कि वहां पे आपको लगेगा कि मेथड सही नहीं है यहाँ पे काम करने का, वहां पे आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या है, वेरियस स्टेप्स हैं इसके, तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्टिंग, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट कौन, क्या करना है आपने कि कौन से मेथड के ऊपर आपने मेथड स्टडी करनी है, ठीक है। सिलेक्ट द सिलेक्ट द प्रोसेस टू बी एक्सप्लोर्ड,
एग्जामिन। जिस प्रोसेस के ऊपर आपने एनालिसिस करना है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कौन कौन से बेसिस होंगे उसके, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहे होंगे, ठीक है। उसको आप एग्जामिन करेंगे, उसको आप एनालाइज करेंगे, उसको आप सिलेक्ट करेंगे फॉर, ठीक है, एग्जामिन फॉर। इसलिए करेंगे अपन सबसे पहले इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, इनको मैं लिखता नहीं हूं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द प्रोसेस फॉर एग्जामिन। आप किस लिए करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि उसके क्या रीजन क्या हो सकते हैं, इसके रीजन ये हो सकता है कि वहां पे क्या है, प्रोडक्शन रेट कम है, ठीक है, ये रीजन हो सकता है। वहां पे क्या है, आपको वर्कर्स खाली खड़े दिख रहे हैं, आइडल दिख रहे हैं, ये हो सकता है रीजन, ठीक है। रीजन हो सकता है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, और क्या रीजन हो सकता है, मटेरियल वेस्टेज ज्यादा निकल रही है, ठीक है। ये सारे रीजन हो सकते हैं, उन सभी रीजन के हिसाब से आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट कर लोगे कि हाँ इसके ऊपर मुझे क्या करना है, स्टडी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपको पता चल गया कि आपके पास कौन सा प्रोसेस है जिसके ऊपर आपने स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर रिकॉर्ड करोगे डाटा, ठीक है। डाटा सारा जो भी उसके अंदर पहले से एग्जिस्टिंग मेथड है उसको क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड ऑल द डाटा रिलेटेड to existing method with recording techniques and charts। कौन कौन सी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हैं, चार्ट्स हैं, जिनकी हेल्प से आप रिकॉर्डिंग करेंगे। अब आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है टोटल जो डाटा, इससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है रेलेवेंट टू द प्रोसेस, एग्जिस्टिंग प्रोसेस के रेलेवेंट कोई भी जो आपके पास नॉलेज है उसको आप रिकॉर्ड करोगे। कि अब आपको पता चला कि आप क्या कर रहे हो, एक जगह पे लेथ मशीन चल रही है, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारा जो है टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप उसके ऊपर जो है आप चार्ट बनाओगे, उसके ऊपर आप स्टडी करोगे, डिटेल जो स्टडी करोगे कि कितनी देर जो है प्रोसेस चल रहा था और कितनी देर वहां पे जो है आइडल रही मशीन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप दो तरीके के चार्ट बनाएंगे, एक तो होता है प्रोसेस चार्ट, पहला तो आता है प्रोसेस चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर प्रोसेस का पता चलेगा कि कब प्रोसेस हो रहा है और कब नहीं हो रहा, ठीक है। प्रोसेस चार्ट के ऊपर आप डिटेल में पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग टेक्निक है ये, कि उससे क्या पता चलेगा आपको कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है, कब बंद हो रहा है, ठीक है। दूसरा आता है डायग्राम्स, ठीक है। दो तरीके की चीजें होते हैं, एक तो प्रोसेस चार्ट होते हैं, एक होते हैं डायग्राम। तो डायग्राम्स क्या होते हैं, डायग्राम्स होते हैं जिनके अंदर आप यूज करेंगे डायग्राम क्या होते हैं, इनके अंदर आप क्या करेंगे कि जो भी मेथड है, कहां से मूवमेंट जो है उसको आप चार्ट के ऊपर बनाएंगे कि पहले इस मशीन से इस मशीन के ऊपर पहुंचा वर्कर, फिर इस मशीन से इस मशीन के ऊपर पहुंचा, जो भी मेथड है काम करने का, ऑपरेशन कब हुआ कब नहीं हुआ, ये सारी चीजें आप डायग्राम के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके की चीजें हैं जो आप रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बेस से, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अब प्रोसेस चार्ट जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं, और डायग्राम भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोसेस चार्ट कौन से हैं, सबसे पहला आ गया आउटलाइन चार्ट, ठीक है। आउटलाइन फ्लो चार्ट, प्रोसेस चार्ट बोल सकते हैं आप इसको, प्रोसेस चार्ट, ठीक है। ये आ गया एक चार्ट, और भी है जैसे कि फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ये भी एक चार्ट है, ठीक है। और कौन कौन से चार्ट हैं, एक जैसे कि टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट,
ठीक है, ये 200 मतलब कि दोनों हाथों से इस हाथ ने ये काम किया, इस हाथ ने ये काम किया, ये आइडल रहा, ये वर्क कर रहा था। ठीक है, ऐसे आप 200 प्रोसेस चार्ट बनाते हैं और मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट होता है। ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। ठीक है, तो ये चार पांच तरीके के चार्ट हैं जो आप पढ़ेंगे, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट और आपका 200 प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट और आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। ठीक है, ये सारे चार्ट्स हैं जो स्टडी करेंगे आप। और उसके बाद डायग्राम्स के अंदर कौन कौन से डायग्राम्स आ जाते हैं, फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, एंड और भी बहुत सारे एक्सेप्टर। ठीक है, वो सारे आपको पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया कि कौन सा प्रोसेस है जिसके ऊपर आपने स्टडी करनी है, उसके बाद उस प्रोसेस के बारे में आपने डिटेल में रिकॉर्ड किया डाटा कि कहां पे कैसी एक्टिविटी हो रही है। उसके लिए आपने दो तरीके की टेक्निक्स यूज की, एक तो प्रोसेस चार्ट, एक डायग्राम। ठीक है, प्रोसेस चार्ट के अंदर जैसे प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे प्रोसेस हो रही है चीजें वो दिखेंगी, और जो डायग्राम्स हैं उनसे क्या पता चलेगा कि कब जो पर्सन है वो मूव कर रहा है वन मशीन टू अदर मशीन। ठीक है, ये सारी चीजें आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, अब एक होता है सॉरी उसके अंदर ही रिकॉर्डिंग के अंदर ही होता है फिल्म एनालिसिस, मतलब वीडियो बना के कि कब जो मूवमेंट है वो कितनी हो रही है और कितनी देर में इंसान जो है वो थक रहा है काम करते करते। ठीक है, तो फिल्म एनालिसिस होता है, माइक्रो स्टडी होती है वो। ठीक है, उसको भी आप डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है एग्जामिंग थर्ड। पहले अपन ने सिलेक्ट किया, पहला काम क्या किया अपन ने सिलेक्ट किया कि कौन से प्रोसेस के ऊपर अपने वर्क करना, दूसरा रिकॉर्ड किया, तीसरा आ गया एग्जामिंग। अब अपने पास रिकॉर्डेड डाटा है सारा जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो एग्जामिंग में क्या करेंगे आप, उसके ऊपर क्या करेंगे, डिटेल बनाएंगे रिकॉर्डिंग टेक्निक के ऊपर कि उसको आप स्टडी कर सके, उसको आप डिटेल में समझ सके कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर आप करते हैं कि पर्पज क्या है अपना काम करने का एग्जामिंग के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो पहले वाला मेथड था उसको अपने चेंज करना है, इंप्रूव करना है। ये आप एग्जामिन करेंगे कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है, पर्पस क्या है। उसके बाद पर्सन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन उसको अपडेट, किसको अपडेट करना है आपने। ठीक है, उसके बाद उसको आपका क्या सीक्वेंस रहेगा अपना, जो नया प्रोसेस है उसके अंदर सीक्वेंस क्या चेंज रहेगा, ये सारी चीजें आप एग्जामिन करेंगे। ठीक है, एग्जामिन करना है कि आपने अब क्या करना है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस के ऊपर, एग्जिस्टिंग प्रोसेस के ऊपर हैज बीन स्टडीड फॉर इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, अब आपके पास सारा डाटा आ गया रिकॉर्डिंग से, उसको आप क्या करोगे, स्टडी करोगे कि इतनी देर तो बंदा खाली खड़ा था, आपको पता चलेगा पहली बार आपको पता चला कि ये जो पर्सन है ये ऐसे काम कर सकता था, तो आप उसके ऊपर क्या बनाओगे, एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन करोगे, आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाओगे, उस रिपोर्ट के हिसाब से आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, फूड क्या होगा, डेवलप, डेवलप। अब आपने क्या करना है, डेवलप न्यू मेथड ऑफ डूइंग वर्क, काम को करने का नया मेथड जो है उसको डेवलप करेंगे आप। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, सबसे पहले अपने सिलेक्ट किया कि क्या काम करना है, उसके बाद अपने उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसके ऊपर स्टडी की, फिर अपने नया मेथड डेवलप किया जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है अलग नए लेवल पे लेके जा सकते हैं, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप डेवलप करने के बाद फिर भी चेक करेंगे कि अभी क्या ये सेफ है, कि काम जो आपने नया डेवलप किया है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो किए होंगे। इनपुट को डिक्रीज करना मतलब क्वालिटी से छेड़छाड़ करना,
अगर आप इनपुट को कम कर रहे हो तो आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि क्या क्वालिटी के साथ कोई खिलवाड़ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप किसी काम को जो कि 1 महीने में हो रहा है उसको 15 दिन में करने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे उसकी क्वालिटी के अंदर, क्वालिटी लो होने के चांसेस है। तो अगर तो वर्कर बिल्कुल ही खाली खड़े थे फिर तो अलग बात है, अगर आप उसको 2 गुना काम करने के लिए बोलोगे तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी जो है कम हो जाएगी। तो अब आपने क्या है उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्या है सेफ्टी, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को चेक करके रखना है कि कहीं किसी चीज के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद क्या है आपने क्या करना है, डिफाइन करना है मेथड को। अब आपने डेवलप किया एक नया मेथड जिसके जरिए क्या है कि इस काम को आप क्या कर सकते हो, जो है उसी मेथड को एग्जिस्टिंग मेथड को कम समय में और अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपने सिर्फ डेवलप किया है, अभी उसको इंस्टॉल अभी आप करेंगे, आपने सिर्फ रिसर्च किया है न्यू मेथड, रिसर्चिंग ऑफ न्यू मेथड इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, तो नया मेथड अभी अपने डेवलप किया है, अभी आप उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, सब वर्कर्स को उसके बारे में समझाएंगे डिफाइन। अब आप क्या करेंगे इसमें, उसको क्या करेंगे एक रिपोर्ट बनाएंगे कि ये चीजें जो है अपने उसको अपने आइडेंटिफाई किया है, ये चीजें अपने चेंज की है, उसको अपन डिफाइन करेंगे सब मैनेजमेंट और जो वर्कर्स जो इन्वॉल्व है उनके साथ। ठीक है, डिफाइन करना, उनको समझाना, उसके बाद क्या करेंगे अपन इंस्टॉल करेंगे उसको। ठीक है, इंस्टॉलिंग। अब अपन ने क्या किया, डिफाइन कर दिया, अब अपन उस प्रोसेस जो कि डेवलप्ड प्रोसेस है उसको रियलिटी में लेके आएंगे, उसको क्या करेंगे जो है उसको जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे कि ये नया मेथड है, जो ये वाला वर्कर था उसने अब यहाँ पे काम नहीं करना, उसने यहाँ पे काम करना है, ये जो मशीन है उसको यहाँ पे अपन ने ट्रांसफर करना है, ये जो काम था उसको पहले करना है, ये काम को बाद में करना है। ठीक है, ऐसे जो भी आपकी जो मेथड के अंदर चेंजेस आए हैं उनको आप इंस्टॉल करोगे कि ये काम कब होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर ये 3 फेसेस होते हैं इसके अंदर कि आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लान करना है कि कैसे आपने उसको क्या है प्लानिंग, ये इंस्टॉलेशन के अंदर है। ठीक है, प्लानिंग करनी है सबसे पहले कि कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे अरेंजिंग द सिस्टम रिक्वायर्ड, अरेंजिंग करनी है उसके बाद जो भी सिस्टम आपको रिक्वायर्ड है उसकी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने इंप्लीमेंटिंग, उसके बाद आपने क्या करना है उसको इंप्लीमेंट कर देना है, उसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जो भी चीज चाहिए सबसे पहले प्लान किया क्या क्या चीज चाहिए, फिर उसको अरेंज किया, फिर तीसरा क्या किया आपने इंप्लीमेंट कर दिया, ये फेस होता है इंस्टॉलेशन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है मेंटेन करके रखना। अब मेंटेनेंस जो है वो रिक्वायर्ड है, अब आपने क्या करना है उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ताकि जो वर्क आपने अब क्या किया है जो चेंजेस किए हैं वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि वर्कर्स जो है अभी उस चीज के लिए एक्टिव नहीं है, उस चीज के लिए वो पहले से तैयार नहीं है, उनको नई चीज मिली है तो उनको क्या करना होगा कुछ दिन के लिए कुछ डेज के लिए जब फॉर लॉन्ग लास्टिंग जब तक प्रोसेस चलेगा आपको क्या रखना होगा उसके ऊपर मेंटेन करके रखना होगा कि अब ये प्रोसेस ऐसे चलेगा। उसके लिए भी चार्ट बनते हैं रोजाना के कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये है प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी, कैसे अपन मेथड स्टडी कर सकते हैं उसकी टेक्निक्स मैंने आपको बताई। सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे किसको ऊपर मेथड स्टडी करनी है, फिर उसके बारे में सारा डाटा रिकॉर्ड करोगे, फिर उसके ऊपर जो डाटा रिकॉर्ड किया उसके ऊपर एग्जामिन करोगे, एनालाइज करोगे कि कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, फिर जो चेंजेस हो सकते हैं उनको अपन डेवलप करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे टू द वर्कर्स टू द मैनेजमेंट टू सेल्फ कि क्या ये ऐसा हो सकता है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन के बाद उसको मेंटेन करके रखेंगे कि अब इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।